हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है 2/9, 2/3 और 8/21। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है जो कि है 63। उसके बाद हमें 63 को 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आता है 7। अब हम लोगों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 7 से डिवाइड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। 2 × 7/9 × 7 इज इक्वल्स टू कितने होते हैं आप सबको पता है, 14/63। तो ये हो गया पहला। अब हम लोग करेंगे दूसरे नंबर को जो कि है 2/3। तो 2 को तो हमें पहले हम लोग 63 को 3 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर है 21। अब हम लोग यहाँ 2 × 21/3 × 21 लिखेंगे। हमारा तो 2 × 21 होते हैं 42 और 3 × 21 होते हैं 63। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते जो कि है 8/21। तो 63 को 21 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर होता है 3। अब हम लोग 8 × 3 लिखेंगे और यहाँ पर बाय का साइन देंगे और लिखेंगे 21 × 3 इज इक्वल्स टू 24/63। अब हम लोग इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, फ्रैक्शंस में नहीं है, इस तरह नहीं, इस तरह। तो यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे 42/63। अब हम लोग यहाँ ये साइन देंगे और इसमें से इससे छोटे नंबर को यानी कि 24/63। अब ऐसे ही हम लोग 14/63 को करेंगे। अब ये तो हो गया है कुछ इस प्रकार, लेकिन यहाँ कहा गया कि हमें इसे फ्रैक्शन में करना है, तो हम लोग इनके अकॉर्डिंग इन्हें करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2/3। अब यूँ ही ऐसे ही करके हमें सारे को बनाना है 2/21 और एक लास्ट नंबर 2/9। यह था हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।